वेलकम एवरीवन टू पूजास किचन। आज मैं आपको बनाने बताऊंगी मेरी एक और बहुत ही फेवरेट रेसिपी, वो है घिया के कोफ्ते। इसके लिए हमने घिया लेनी है, धोना है उसको अच्छे से और फिर उसके छिलके निकाल लेने हैं। तो घिया मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया ही है बहुत फ़ायदेमंद है, तो मैं आजकल इसकी नई नई रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ रोज़। तो अब हमने इसके छिलके निकाल लिए, अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि जब हम इसको ग्रेट करें तो इजीली ग्रेट हो जाए, बहुत बड़े पीसेस जो है वो ग्रेट नहीं हो पाएंगे। आप देख सकते हैं कि घिया कितना सॉफ्ट है अंदर से, इसके जो सीड्स हैं वो भी सॉफ्ट हैं। अगर हार्ड हैं तो आप वो पोर्शन निकाल दीजिए, मैं तो ऐसा ही ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट है। तो अब हमने इसको ग्रेट कर लेना है। हमने ग्रेट इसको मोटे वाले ग्रेटर से करना है, बहुत बारीक ग्रेट नहीं करना, नहीं तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो फूलेंगे नहीं अच्छे से और उसमें कच्चापन सा आएगा बेसन का। तो हमने मोटे तरफ से ग्रेट करना और पूरा ही घिया ग्रेट करना है। जितना हम ज़्यादा डालेंगे घिया उतने ही अच्छे बनेंगे कोफ्ते। तो देखिए हमें घिया के इतने मोटे मोटे लच्छे चाहिए, तो हमने ऐसे ही सारी घिया को ग्रेट कर लेना है। 10 से 12 कोफ्ते आराम से बन जाएंगे इस घिया से, क्योंकि ये घिया एकदम फ्रेश है, बाहर से ही तोड़ी है हमारे किचन गार्डन से, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसका पानी जो है वो निकाल लेना है, निचोड़ लेना है इसको, नहीं तो कोफ्ते जो हैं वो ठीक से नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो पानी निकला है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसको फेंकना नहीं है। जब हम इसको बनाएंगे मसाले में यही पानी हम ऐड कर देंगे। तो हमने सारा जो है पानी निकाल लिया, अब हम इस पानी को रख लेंगे क्योंकि हमने ये सब्ज़ी में डालना है, इसको फेंकना नहीं है। घिया हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, इसको खाने से हमारा बीपी कंट्रोल होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और ब्लड शुगर भी ये कंट्रोल करता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वेजिटेबल को अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। हम ग्रेट की हुई घिया में डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी हमने सॉल्ट डालना है, तो थोड़ा ही सॉल्ट डालेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट पड़ गया। अब हमने डाल दिया बेसन, तो 1/2 कप बेसन हमने इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है बेसन। आपको लगेगा कि ये फट जाएंगे, पर जब ये हम फ्राई करेंगे आप देखेंगे तो ये खुद ब खुद जो है राउंड हो जाएंगे और फटेंगे नहीं। तो हमने दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म करने रख दिया है फ्राइंग के लिए। तो ऑयल एकदम तेज़ गरम होना चाहिए जब हम कोफ्ते डालें, और धीरे धीरे करके हमने एक एक कोफ्ता डालते जाना है इसमें फ्राइंग के लिए। तो आप देखेंगे कि जब ये फ्राई हो जाएगा तो एकदम राउंड खुद ही बन जाएंगे ये कोफ्ते और एकदम सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। तो थोड़ी देर हमें इसको हाई पे फ्राई करके थोड़ा लो कर देना है जो गैस का फ्लेम है। जब हम कोफ्ते फ्राई करें तो ऑयल एकदम गरम हो, नहीं तो इसमें घी भर जाएगा, बीच में ऑयल भर जाएगा कोफ्तों में। तो जब हमने डालने हैं कोफ्ते तो एकदम गरम घी होना चाहिए। थोड़े से जब कोफ्ते गोल्डन ब्राउन होने लगें तब हम इसको फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। तो ऐसे करके हमने सारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई करके रख लेने हैं एक बोल में, और फिर हम दूसरी तरफ बनाएंगे ग्रेवी।
जितनी देर हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, हम साथ में बना लेते हैं मसाला। तो मसाले के लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के अनियन, 5 से 6 गलियां लहसुन की और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। तो इनको अच्छे से धो के हमने छील लेना है और साथ साथ में हमने कोफ्ते भी जो हैं वो फ्राई करते जाना है। आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी बाहर से, मौसम तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हाई अलर्ट पर भी है इस वक्त क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो काफ़ी लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं यहाँ पे। आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ जो है लौकी से घिया से बनाते हैं आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि वो रेसिपीज़ भी हम आपको बना के चैनल पे दिखा सकें, और कोई अच्छी रेसिपीज़ आपको आती हैं तो आप वो शेयर भी कर सकते हैं। तो लीजिए, कोफ्ते ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा भी हमने ब्राउन नहीं करना इनको क्योंकि हमने जब ग्रेवी में डालना है तो भी इनको पकाना है, तब भी थोड़े पकेंगे। तो अब हम इनको बोल में निकाल लेते हैं और जो कोफ्ते हैं वो डाल देते हैं फ्राइंग के लिए, ताकि सारे कोफ्ते तैयार हो जाएं जब तक हमारी जो है ग्रेवी दूसरी तरफ तैयार होगी। घिया जो है इसमें फाइबर बहुत हाई रहता है, तो इसलिए ये वेट लॉस के भी काम आती है और हमारा डाइजेशन ठीक रहता है घिया को खाने से। घिया को खाने से हमारा लीवर ठीक रहता है और भी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है लौकी या घिया को खाने से, क्योंकि घिया में पोटेशियम बड़ी हाई मात्रा में रहता है, तो ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो हमने सारी चीज़ें मोटे मोटे काट कर ही डालनी है क्योंकि मिक्सर में पीसना ही है हमने, लेकिन बहुत बारीक मसाले को नहीं पीसना है। पल्स मोड पर भी आप पीस सकते हैं क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं उसकी जो ग्रेवी में मसाला पड़ता है वो बहुत बारीक नहीं रहता। तो अब हमने डाल दिया प्याज लहसुन और अब हम अदरक डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। हम इस मसाले को अगर पीसना ना चाहें मिक्सी में तो हम ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा जो है कोफ्ते के लिए मसाला बन जाता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल, आप सरसों ऑयल भी ले सकते हैं या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का। अब हमने इसमें डाल देना है मसाला जो हमने प्याज लहसुन अदरक का बनाया था। तो आप देखिए, हमने बहुत बारीक नहीं किया है मसाले को, तभी जो कोफ्ते की ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। अब हमने उतनी देर ये भुनेगा मसाला, हम टमाटर काट लेंगे। तो हमने लिए हैं 3 टमाटर, अच्छे पके हुए टमाटर हों, इनको भी हम मिक्सर में पीस लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी रेसिपीज़ देखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको देख सकें। कमेंट्स में आप ये ज़रूर लिखिए कि आप ये रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं। इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हमने डाला मेथी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने डाल दिया कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, और अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे। जब अच्छे से मसाले जो हैं प्याज में भून जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने पीसे थे, और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे मसाले को। तो जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छी जो है वो ग्रेवी बनेगी।
तो देखिए काफ़ी अच्छा भुन गया है मसाला। अब जो हमने घिया से पानी निकाला था वो डाल देंगे, और जिसमें हमने ये अपने कोफ्ते बनाए थे ना उसमें जो बेसन बचा था उसी में हमने घिया का पानी डाल के डाल दिया। इससे थोड़ी ग्रेवी थिक भी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया पानी, तो जितने कोफ्ते बने उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। अब जब ग्रेवी जो है वो बॉयल होने शुरू हो गई, 10-15 मिनट हमने बॉयल कर लिया, तो हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते और इसको सिम पे हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है उसका टेस्ट अच्छे से कोफ्ते में चला जाए। लेकिन ज़्यादा हिलाना नहीं है हमने कोफ्तों को, नहीं तो वो टूट जाएंगे। तो एक एक करके हमने डालने हैं और इनको 5 से 10 मिनट हमने ग्रेवी में अच्छे से पकाना है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं आजकल ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए इसमें कुक करना बहुत ही अच्छा है। तो लीजिए अभी हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हैं। अब हम इसको जिसमें सर्व करना है उस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं धनिया की पत्ती के साथ। यहाँ तो अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप हरे धनिया के पत्ती से इसको अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। और आप इसको चपाती के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं कोफ्तों को। तो मैं तो राइस के ही साथ सर्व कर रही हूँ, साथ में पुदीने की चटनी। तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे।